आज भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल की समाप्ति के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक लोक संपर्क अभियान का शुरुआत किया है। भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए 4,000 लोग देश के प्रमुख 1,00,000 लोगों का संपर्क करेंगे। हर क्षेत्र के लीडर्स इसके अंदर होंगे, कला जगत के संविधान विशेषज्ञ, सेना के रिटायर्ड अधिकारी, फिल्म जगत के लोग, धर्म के क्षेत्र के लोग, सबका 1,00,000 अलग अलग बड़े लोगों का संपर्क करने का ये अभियान है। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 50,00,000 चुने हुए कार्यकर्ता हर घर में जाने का भी एक प्रयास करेंगे। इसका उद्देश्य है 4 साल तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार चली है और 4 साल में देश के जीवन के हर क्षेत्र को इस सरकार ने ऊपर उठाने का प्रयास किया है और अनगिनत इस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसका देश लंबे समय से राह देख रहा था। विशेषकर ग्रामीण जीवन में से असुविधाओं को समाप्त करना और गांव को टूटता हुआ बचाना, गरीबों के जीवन के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, ये 2 क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है और आने वाले 5वें साल में लागत से ज्यादा 1.5 गुना समर्थन मूल्य देकर किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का इस सरकार का लक्ष्य है और 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 तक का बीमा देकर उनकी स्वास्थ्य की सुविधाओं से चिंताओं से उनको मुक्त कराने का लक्ष्य है। ये दोनों लक्ष्य लेकर नरेंद्र मोदी सरकार चली है। ये 4 साल में दुनिया में देश के गौरव को आजादी के बाद की सबसे ऊंची सतह पर ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इस सारी बातों का एक डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ पुस्तक, एक पेन ड्राइव और लिटरेचर लेकर सभी कार्यकर्ता जाएंगे। आज सुबह मैं जनरल सुहाग के वहां गया था और अभी हमारे जाने माने संविधान विशेषज्ञ कश्यप जी के घर पर आया हूँ। कश्यप जी को भी मैंने सारा साहित्य दिया है और हमारी सरकार के काम से उनको परिचित कराने का मैंने काम किया है। आज ये लोक संपर्क अभियान की शुरुआत हुई है, देश के हर घर तक भारतीय जनता पार्टी पहुँचे ये हमारा प्रयास रहेगा।